हेलो एवरीबॉडी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी अभी हमारे एम एच सेट एल एल बी का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी बच्चा मेहनत करेगा वो डेफिनेटली हमको और खुद को कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, क्योंकि मेहनत कभी भी आपकी जो है वो वेस्ट नहीं जाती है, हमेशा हमारा कहना होता है। एंड उसी तरह आज मेरे साथ यहाँ पर एक ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने, जी हाँ, स्कोर किया है 99.29%। यस, सो आई हैव विथ मी विधि। हाउ आर यू विधि? हेलो सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू बी हियर। आई एम अमेजिंग सर, लाइफ इज ऑसम एंड थैंक यू फॉर आस्किंग। एंड हाउ आर यू डूइंग सर? आई एम ग्रेट विधि। एंड जब हमारे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग थोड़ा ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं। विधि, आई वुड लाइक टू टेक दिस कॉन्वर्जेशन फॉरवर्ड बाय आस्किंग यू सर्टेन क्वेश्चंस, जो कि हमारे बच्चों को जो अभी भी इन दी एस्पिरेंट मोड है और जिनका सपना है कि वो ज्यादा बेहतर कर पाए अपनी लॉ की फील्ड में, उनके कुछ सवाल होते हैं। उन सभी को हम डिकोड करेंगे ना शॉर्ट सेशन, जहाँ पर हम बात करेंगे फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। एंड आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही है इस अपने सपने को पाने की, जहाँ पर आपने डिसाइड किया था कि आपको लॉ करना है, से लेकर जब आपने इतना अच्छा जो है वो स्कोर किया है। एंड वेरी सून यू विल बी हैविंग द बेस्ट कॉलेज अंडर एम एच सेट फॉर यू, जिससे आप डेफिनेटली आप अपने करियर को एक बहुत ही अच्छी उड़ान जो है वो दे पाएंगे। सो स्टार्टिंग विथ द वेरी फर्स्ट थिंग विधि, वाई डिड यू चूज लॉ? यस सर, ऐसा क्या था आपके मन में जिसने आपको मदद करी या इंस्पायर किया कि यार आई शुड बी गोइंग फॉर द लॉ फील्ड? ओके। सो सर, देर आर थ्री मेन रीजंस बिकॉज ऑफ विच आई चोज लॉ। सर, आई हैव नोटेड दैट इन आर डे टू डे लाइफ वी आर सराउंडेड बाय द एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ सिंस बर्थ टिल डेथ। लाइक वी हैव लॉ इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, एंड आई गॉट टू नो दैट फ्रॉम अ वेरी अर्ली चाइल्डहुड। The second reason is law is a very noble profession. Like it is rightly said that lawyers are healers of the society, like doctors, and architects of the nation, like engineers. Definitely. And I was pursuing company secretary course, so that was the time I studied law. And in 11th 12th standard, I'm from commerce stream, so we had the subject called a secretarial practice, which deals with company law. And out of all the theory subjects, I scored highest in that subject. So I have studied law, and when I studied it, I found the passion in me to study. I found the law easy, like not that much difficult, and I found it passionate to go further with it. And as you know, my name is Vidhi, and Vidhi stands for law. So So, you and I decided believe. कि मुझे विधि शास्त्र पढ़ना होगा? Yes, sir. I believe, sir, that God has given everyone unique gifts and talents right from their birth, and it is our duty to recognize it and go in that direction. So that's how my inner voice and my intuition has always told me that law is the career option that I should go for. So that's why. दैट्स रियली ग्रेट। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे आपने लॉ के बारे में जाना, आपके अंदर वो जिज्ञासा बढ़ती रही, एंड दैट इनक्विजिटिवनेस विच वॉज देयर विद इन यू, उसने आपको फोर्स किया कि यार मुझे सचमुच लॉ को एज अ करियर चूज करना चाहिए। एंड यू राइटली सेड दैट नो लॉ इज अ नोबल करियर पाथ दैट यू चूज। मैं ऐसा इसलिए भी कहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी को हमेशा लॉ की पढ़ाई करनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो तो किसी तरह से फौज की ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि ये दो चीजें जो हैं वो Yes, आपको definitely. तराश कर एक बहुत ही बेहतर इंसान बनाती है। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। एंड जैसे कि कहते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट इंजीनियर्स, तो हम कहते हैं कि वो मशीन्स के साथ खेलते हैं, उनको सारी चीजें मशीन्स के बारे में पता होती है। सिमिलरली आई बिलीव दैट व्हेन वी बिकम अ लॉयर और रादर व्हेन वी स्टडी लॉ, सो दैट इज अ पोजिशन जहां हम सोसाइटी के नॉर्म्स के बारे में जानते हैं, सोसाइटी कैसे वर्क करती है, क्या चीजें होती हैं, तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर पाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच विधि इस चीज पे हमको एनलाइटन करने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि व्हेन यू चोज टू गो फॉर लॉ, तो सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आया? लाइक हाउ डिड यू चूज कि मुझे एम एच सेट ही देना चाहिए एंड नॉट एनी अदर एग्जामिनेशन? सो व्हाट वॉज गोइंग ऑन इन योर माइंड व्हेन यू चोज एम एच सेट एज योर थिंग? ओके, सो सर, फर्स्ट आई डिसाइडेड, मेरा ग्रेजुएशन तब होने को आया था। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन बैचलर ऑफ कॉमर्स, एंड इन द फाइनल ईयर ऑफ इट आई डिसाइडेड दैट मुझे एलएलबी के एंट्रेंस देने हैं। सो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट द लॉ स्कूल्स, द बेस्ट लॉ स्कूल्स इन इंडिया, एंड आई केम अक्रॉस महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम, एंड आई लिव इन महाराष्ट्र पुणे,
So it's easy for me to get the colleges. And there is one more entrance, Symbiosis Law School, Pune. Its entrance is in 4 days that I'm gonna give. So these are the You're two still gonna give entrances. that CLAT examination? Yes, sir. Great. That is, Symbiosis is honestly my dream college. ओके ठीक है. Okay, Maharashtra CET was plan B, and Symbiosis is the dream that I see. So I started researching about the law colleges. Then I came to know about the exam dates and the syllabus structure. So I noted it down on my study table. It's on my study table in front of me. And then I purchased Unacademy classes in this January. I am the student of LLB Dream Comprehensive Batch. ओके तो आपने मुझे एक So चीज बहुत अच्छी हाईलाइट करी है, विच आई वांट एवरी अदर किड टू नो, कि विधि ने बताया कि सबसे पहले इन्होंने जब एमएचसेट एग्जामिनेशन के बारे में जाना, तो सबसे पहला स्टेप दैट शी डिड वाज सिलेबस को नोट डाउन करना. मैं ये इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ विधि, क्योंकि इवन आफ्टर टेलिंग इट अमटीन टाइम्स, आई हैव सीन किड्स जिनको यही नहीं पता होता है कि सिलेबस में आखिर आने क्या वाला है और कितने डेप्थ में आने वाला है, क्योंकि उन्होंने कभी पीवाईक्यूज नहीं देखे होते. सो मेरा हमेशा यही सजेशन होता है कि ज्यादा से ज्यादा समय आप जो है पहले व्यतीत करो विथ द पीवाईक्यूज एंड एट द सेम टाइम विथ द सिलेबस, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली क्या एग्जाम में पूछा जाना है, तो आई डोंट थिंक आप सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर पाएंगे. राइट That's true, sir. जी जी विधि प्लीज कंटिन्यू. Sir, then I started with the actual preparation. But before that, before starting the entire preparation and jumping to the lectures, I followed a systematic stage-by-stage process in which first I asked myself and analyzed my nature and my personality to choose which career option I want. And it's my, as I told you earlier, that it's my inner voice, and I check the surrounding. There are so many guidance videos on YouTube of like professors like you and other. They teach you about what your personality is, how a lawyer is, what are the qualities in a good lawyer, and is law career for you. And I think that every student listening to this and they are aspiring to be a lawyer, they should do this upfront research before getting into Definitely, the profession. I know, because So there are a that's lot of kids who, what they do is कि वो सूट्स या लिंकन लॉयर जैसी वेब सीरीज देखते हैं, एंड देन दे स्टार्ट फैसिनेटिंग कि शायद इतना ही ज्यादा बेहतर जो है हमारा लॉ का करियर होता है, एंड देन उन्होंने रील्स में और शॉर्ट्स में देख रखा होता है कि लॉ किस तरीके का है, तो वहां पर भी उनके मन में ये ख्याल आता है कि अच्छा तो शायद हो सकता है लॉ ऐसा ही होता होगा. बट इस पूरे के पूरे प्रोसेस में व्हाट दे रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग इज कि वो किसी भी तरह से ये नहीं समझ पाते कि इवन आफ्टर क्रैकिंग लॉ दे विल हैव टू रीड अ लॉट ऑफ केसेस, दे विल हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेपर्स जो कि उनको पढ़ने होते हैं, डिबेट्स करनी होती है. तो ये सारी चीजें अगर आप उस चीज के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले एक बार अपनी खुद की पर्सनालिटी एनालिसिस करिए, जैसा कि विधि भी यहाँ पर कह रही है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ रियलिटी चेक कि लॉ एज अ प्रोफेशन इट इज नॉट अ जोक, इट इज नॉट जस्ट अनदर जॉब दैट यू आर डूइंग, इट इज बेसिकली अ करियर बिल्डिंग प्रोसेस विच टेक्स टाइम, बट वंस इट इज डन इट इज द मोस्ट फ्रूटफुल थिंग यू कैन एवर थिंक ऑफ. जी विधि Yes, definitely, sir. And even I believe that law is a serious profession, the profession that is gonna give you a living, the profession that is gonna give you the respect in society. And lawyers have a huge responsibility as towards the society to bring justice. So we should not take it lightly. And I think the students who are gonna listen to this our podcast will be in their early 20s. Their graduation would be complete. So this is the perfect time to realize what your potential is and whether law career is for you or not. डेफिनेटली. थैंक यू Yes, सो वेरी मच विधि फॉर हाईलाइटिंग दीज पॉइंट्स. तो जैसा कि मैं अभी तक समझ पाया हूँ, आपने अनअकैडमी में अपना सब्सक्रिप्शन लेकर रजिस्टर किया एंड देन यू स्टार्टेड स्टडिंग, तो उसके यस बारे सर, में आप थोड़ा बताना चाहें कि कैसे आपने जो है क्लासेस का यूज किया, कौन सी बुक्स रिफर करी, कितने मॉक टेस्ट दिए, क्योंकि बच्चों के सबसे ज्यादा सवाल इस पे ही होते हैं. Yes, sir, definitely. So about the syllabus process, I started the lectures on an academy, and every day I made a proper schedule कि मुझे किस दिन क्या पढ़ना है. In fact, I request everyone that this is my to-do diary that I keep, and ओके everything that I am about to do in the day, I plan the previous night.
सो मुझे एग्जैक्टली पता हो कि मुझे किस दिन कौन सा लेक्चर अटेंड करना है. आई डू इट स्टिल. दीज आर द ट्रेट्स ऑफ अ एस्पायरिंग लॉयर बिकॉज दे आर गोना हेल्प यू टू द लाइफ टाइम टू बी अ सक्सेसफुल लॉयर. सो आई प्लान माई डेफिनेटली स्टडीज. सब्जेक्ट वाइज इफ यू टॉक देन फॉर इंग्लिश, इंग्लिश हैज द हाइएस्ट मार्क्स. 50 मार्क्स इज फॉर इंग्लिश. सो आई हैव अ पैशनेट हॉबी ऑफ रीडिंग सेल्फ हेल्प इंस्पिरेशनल बुक्स. So one of the trait of a lawyer. So I have always loved reading. So because of reading that books, my English reading habit and vocabulary enhancement was covered in that part. And plus on the Unacademy platform, I referred Vaishnavi ma'am's Vijayarath series. So that aspect covered my English. And I'm from an English medium. So I think that my English is pretty good for clearing Maharashtra CET. Yes, Then as far coming as to I logic. believe, as far as I believe, the English, the level of the English questions that are asked are something जो कि एक 12th pass बच्चा कर सकता है आसानी से, right? Yes, sir, definitely. In Maharashtra CET, particularly speaking, the level of English is easy and doable. Definitely. So Yes, sir. other than that, And other than English, what was the your strategy for, let's suppose, logical reasoning? yes, sir. Coming to logical reasoning, it's of 30 marks. So for logical reasoning, the key strategy is to understand the technique to do a particular topic. For example, clocks of calendar, or any other topic. So teachers teach you that about how to go about solving that question with accuracy. Then after we know the strategy to go about that question, then comes to practice that question more and more to build up the speed. So key strategy is to understand the technique, because logical reasoning is not about mugging up or learning a lot. It's about understanding the technique about how to answer the question. And I attended logical reasoning marathons by Honey Sir. So that helped a lot. He improved my techniques in understanding the questions and to go about them in the exam. And I followed them sincerely in my exam. And sir, jitna humne prepare kiya tha us marathon mein, usse fir ek level easy questions hai main exam mein. डेफिनेटली हम हनी सर और हम लोग सब बच्चों को यही चीज समझाते हैं. इवन बच्चे हनी सर के पास आते हैं, सर हमसे ये इतना क्वेश्चन डिफिकल्ट वाला नहीं हो रहा है. हनी सर वही बोलते हैं बच्चे कि अगर मैं आपको इस लेवल का करा रहा हूँ उसके नीचे ही आएगा. क्योंकि क्या होता है कि वेन देर इज सो मच ऑफ इंटरनेट अवेलेबल विद द किड्स, तो वो इधर उधर अलग अलग जगह जाकर एक्सप्लोर करते हैं. एंड डिफरेंट दिखने के तरीके से होता यह है कि एट टाइम्स जो यहाँ पर मेंटोर्स होते हैं कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, वो बच्चों को थोड़ा सा डिविएट भी कर देते हैं, विच आई बिलीव दे शुड यस रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग. क्योंकि जो एग्जामिनेशन का स्तर है उतना ही हमको पढ़ाई करना जरूरी है. एंड दिस इज समथिंग विच हनी सर डेफिनेटली टेक्स केयर ऑफ. जी, सो विदी यस आफ्टर लॉजिकल डेफिनेटली. रीजनिंग आप नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा बताना चाहेंगे? यस सर. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज करंट अफेयर्स एंड जीके, which is of 40 marks. So in Maharashtra CET particularly speaking, they ask 90% static GK and around 10% current affairs. That's the approximate ratio in Mara, if we are talking about Maharashtra CET. So एग्जैक्टली. for एंड यही वो चीज है जो yes. बच्चे समझ नहीं पाते हैं. बच्चों को लगता है कि महाराष्ट्र सीटी में सारा का सारा करंट अफेयर्स ही आता है जैसे बाकी एग्जामिनेशंस में आता है. तो प्लीज आप ये मिथ अगर बच्चों का थोड़ा सा क्लियर कर पाए. यस सर. I don't know about other examinations because हर एक examination की एक particular strategy and एक formation रहता है. So if we are डेफिनेटली speaking particularly about Maharashtra CET, तो उसमें they ask mainly static GK questions from history, geography, civics and current affairs they ask बहुत कम. Okay, so in this exam particularly focus more on static GK So, and what was yes. your strategy for GK? GK आपने कहाँ से पढ़ा? Because this is a question that I receive every another day. मतलब हर दिन मेरे को कम से कम 100 सवाल ही आते हैं कि सर GK कहाँ से पढ़ा? तो आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे उन बच्चों को जो अभी जाने वाले हैं आफ्टर अ वीक एग्जामिनेशन देने के लिए? Yes, so you know if anyone is preparing for last moment and they're worried about GK, so there is one faculty who boosted my confidence in GK, that is Vijendra sir. Vijendra sir has done a top 25 GK questions series 15 days or 20 days before the exam. So I attended all of that series, the most important GK, because general knowledge is so vast. History, geography is so vast. Hum jitna pade utna kam hai. So we need faculties who can provide us with the only important ones. And Vijendra sir is an Definitely. expert in that. So I referred Definitely. that videos, Vijendra sir's marathon GK questions for that. That's how I prepared general knowledge. And for current affairs,
Vijendra sir has a last 6 months current affairs marathon, which is Marathon, of two yes. to 3 hours. Yes, in which sir has covered one-liners current affairs question. I think that's enough to know for current affairs. You don't have to read newspaper and everything for Maharashtra CET. So that's Definitely. how I did GK and current So affairs. In for GK all and those current kids, I'm affairs, so sorry for interrupting. For all those kids who have been yes sir. asking me again and again, see, I had been telling you this कि जो आपको विजेंद्र सर मैराथन्स कराते हैं उनको प्लीज अच्छे से करो. बट द ओनली पॉइंट विच आई वुड लाइक टू एड ऑन टू व्हाट विधि हैज सेड इज कि प्लीज उन चीजों को अपने हाथों से लिखते जाना. क्योंकि विधि व्हाट हैपेंस यस अ लॉट ऑफ सर किड्स व्हाट दे डू इज कि वो सिर्फ फोन रखकर अपने सामने बैठ जाते हैं और उनको लगता है कि ये चीजें हमें याद हो जाएंगी. तो माई ओनली सजेशन वुड बी कि प्लीज उन चीजों को हाथों से लिखें एंड जितना ज्यादा हो सके आप उन चीजों को जो है बार 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 रिवाइज करें. क्योंकि आएगा उतना ही बट उसका रिविजन अगर नहीं होगा तो एग्जाम टाइम में जब आप उसको क्वेश्चन फॉर्म में देखोगे तो हो सकता है कि आप वो चीज सही ना करें. जी, सो विद द अदर देन करंट अफेयर्स इन यस जीके, व्हाट वुड बी व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर लीगल? Yes, my favorite subject of all, which you teach, so hence favorite faculty also. So for legal aptitude, we have to cover basic laws like Indian Constitution, contract law, tort, basics of criminal law, and legal GK section. So for that, I attended your lectures. I'm also currently attending the Constitution of India series because my exam is 4 days away. So we have Slat to cover this examination. basic. Yes, sir. Actually, for 3 years LLB, it's called as AIAT, All India Admission Test. Okay. Okay. So coming back to the topic, we have to cover these basic laws. We have to don't go in the depth of it, but just cover what teacher has taught you. And in legal reasoning section, there are fact principle based questions, which are like this lengthy and even tricky. So for that, we have to just practice and go about the right approach. And I think I attended your legal reasoning marathon for that. It's a 6 hours marathon, which I attended, and you explained it so well. And about the basic laws, I thoroughly made that handwritten notes of it, of Indian Constitution, of contract law, because while we are writing, our brain memory works faster rather than if you are Exactly. referring a PDF note. And it's Definitely. law, and we have You to, know, I have had yes. a lot of questions, or rather a lot of allegations that, sir, you do not share the PDF in the group. And I have been telling them Oh. again and again that even if I share thousands of PDFs, trust me, you will never be able to mug up, or rather retain the concepts in your memory. So it would be better if in case you jot down things while I am teaching, because that is something which will help you in the long run. So am I right with that, Yes. Vidhi? Yes, sir, absolutely. And we are gonna be lawyers. So we have to study law as a with the most passion that we have. We can't use shortcut to it. There is no shortcut in this profession. We have Exactly. to go in depth to study law. डेफिनेटली. सो विधि, आपने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करी है, बट आई जस्ट वॉन्ट वन यस सर. लास्ट थिंग. देर आर किड्स हु कम अप टू मी कि सर हमने एग्जाम के पहले पढ़ा तो सब कुछ है, बट नाउ वी आर फीलिंग यस दैट एंगजाइटी. हमको ऐसा लग रहा है कि हम सब भूल चुके हैं. और तो इस टाइप की एंगजाइटी को ओवरकम करने के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को? यस सर आई कैन पर्सनली रिलेट टू दैट. When we set a dream, when we set a goal and we are working towards it, so हारने के भी उतने चांसेस होते हैं बिकॉज द पासिंग परसेंटेज आर लो. सो ऑफकोर्स वो चांसेस रहते कि हमारा ड्रीम कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा. सो द रिस्क इट नेचुरली कम्स बिकॉज वी आर सो फोकस्ड एंड वी आर गिविंग आर 100% टूवर्ड्स इट. तो थोड़ा सा डर हम सबको लगता है. इवन आई फेस इट, इवन द स्टूडेंट्स आर फेसिंग इट. सो फॉर इवन दैट इवन वॉट द आई डू, फैकल्टीज फेस इट कि हमारे बच्चों का क्या होगा. ओके, ओ दैट आर कंसर्निंग फैकल्टीज, दैट्स स्वीट. सो टू ओवरकम दिस एंड पर्टिकुलरली फॉर एंट्रेंस एग्जाम वी एंड इन जनरल लाइफ वी फेस दैट एंजाइटी. इवन आफ्टर बिकमिंग लॉयर्स वील फेस दैट एंजाइटी रिगार्डिंग केसेस रिगार्डिंग. सो फ्रॉम दिस एज आई हैव डेवलप्ड दिस हैबिट ऑफ मेडिटेशन एंड एक्सरसाइजिंग. सो एवरी मॉर्निंग आई वेक अप एट 4:30 AM एंड आई मेडिटेट फॉर 15 मिनट्स एंड आई डू प्राणायाम फॉर 5 मिनट्स एंड आई फोकस ऑन माई फिजिकल फिटनेस फ्रॉम दिस एज इटसेल्फ. आई एम 21 राइट नाउ, बट दीज आर द थिंग्स दैट विल हेल्प मी टू ओवरकम माई एंगजाइटी बिकॉज इट्स नेचुरल टू फील दैट फियर. आई फील इट टू, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू ओवरकम इट.
इट्स एन अनरियलिस्टिक गोल कि फियर आ ही नहीं सकता. वी आर ह्यूमंस, वी हैव गोल्स, सो डर तो लगा रहेगा एंड इट्स नॉर्मल टू फील, आई अंडरस्टैंड. सो द थिंग इज टू ओवरकम इट. सो दीज थिंग्स लाइक मेडिटेशन, लाइक प्राणायाम, लाइक लिसनिंग, टॉकिंग टू योर फैकल्टीज इफ यू वॉन्ट टू, लाइक एक्सरसाइजिंग, लाइक प्लानिंग योर लाइफ अकॉर्डिंगली. So these are the things that will, and doing it consistently. One day before exam, it's not gonna help. It should become your second nature. These are the small, small steps that we take that differentiates us from the people who were feared and who lost control and couldn't give the exam properly. We face the same fear. In fact, in the exam center, we have to go 1 hour or 1.5 hours before the exam. So everything was done and half an hour was remaining for my exam. And I had decided a goal for myself that I want the best college from Maharashtra CET. So when you set that target, there is a risk and the fear that comes ki kaisa aayega paper, because the paper is unpredictable. No one can predict the level of paper. So I was feeling fearful too. So half an hour before the exam, this I actually did in the examination, I wasn't talking to anyone. I wasn't wandering here and there. For half an hour, I just closed my eyes. I focused on breathing and I just meditated. And I opened my eyes only when the exam was about to start. It keeps my heartbeat under control and my mind stable. So that's how I was able to give that 2 hours of exam and my best in that exam with my full mindset, and that's how I got that score. That's really so amazing. So these are the things, and that's everyone really faces enriching. Anxiety. Exactly, that's enriching for all those who are listening to us. Guys and girls, I have been again and again telling you ki aisa nahi hai ki keval sirf aapko dar lag raha hai. Even the toppers feel the same thing, and dar sabko lagta hai. Aur ye sirf ek advertisement ka line nahi hai, but ye ek sachchai hai ki haan dar sabko lagta hai. But the only thing is how you try to overcome it. And you can overcome it by only doing certain acts, जैसा कि यहाँ पर विधि ने बताया. अगर आप खुद पे भरोसा रखते हो, आप अपने गोल की तरफ हमेशा मोटिवेटेड रहते हो, सो डेफिनेटली यू विल स्कोर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स इन द एग्जामिनेशन दैट यू आर गोइंग टू गिव. सो थैंक यू सो मच विधि फॉर दिस एनलाइटनिंग सेशन, एंड आई वुड लिटरली वॉन्ट टू थैंक यू फ्रॉम और अदर ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव द एग्जामिनेशन, बिकॉज उनको इन्हीं सभी चीजों के बारे में जानना था और थोड़ा सा भरोसा उनके मन में पैदा करना था कि वॉट एवर दे आर डूइंग इज इन द राइट डायरेक्शन. एंड इट इज जस्ट दैट कि उनको थोड़ा सा अपने आप को काम एंड कंपोज रखने की जरूरत है, रिविजन थोड़ा ज्यादा करने की जरूरत है, एंड वंस एवरीथिंग इज डन इन लाइन तो डेफिनेटली द सक्सेस विल फॉल फॉर देम. सो थैंक यू सो मच विधि, इट वॉज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. थैंक यू विधि.